ट्रॉफी किस लिए दी जा रही है? कोई भी जवाब दो आप बोलो, आप बोलो। वालेकुम वालेकुम सलाम। माशाल्लाह सभी हजरात सब जगह से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी हाजी साहब का शौक देखने के लिए। जी जी और बहुत ही उम्दा और नायाब बकरे हैं हाजी साहब के। जी जी तो उस खुशी में अपने हाजी मुनीब साहब की तरफ से और सबकी तरफ से माशाल्लाह। जी जी इंडिया से सभी जगह से आए हैं तकरीबन, गुजरात से है, राजस्थान से है, मेरठ से, बॉम्बे से, दिल्ली से, सब हाजी साहब के शौक की बिना पे अल्लाह ने जी जी नेमत से नवाज। अभी आप बताएं कितने सारे लोग माशाल्लाह आपके घर पे जमा हुए, आपके इन्विटेशन पे सब लोग आए, तो आपको कैसा लग रहा है? सब लोगों के आने की खुशी में जी मैं सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। मुझे बहुत ही मशर्रत हुई, खुशी हुई कि यहाँ सब लोग, जिम्मेदार लोग, नौजवान लोग सभी यहाँ पर आए और इन्होंने मज़ीद इस शौक़ को बढ़ाने के लिए जो यहाँ हमारे घर पर आके आमद की है, इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। जी और ये जो शौक़ है, ये शौक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जो ताल्लुक़ है कि बकरे और बकरियां इंशाल्लाह जो पालेगा उसमें बरकत होगी और इंशाल्लाह जो बीमारियां हैं अल्लाह तबारक व ताला उन बीमारियों से महफूज रखेगा। मेरी सभी यहाँ नौजवान और जिम्मेदार साथियों से पुरखलूस दरख्वास्त है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी ये शौक़ बढ़ रहा है और चल रहा है, मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इस शौक़ में किसी तरह की एक तो कंपटीशनबाजी ना हो। जी जी दूसरा शौक़ में भाईचारा कायम रहे और शौक़ जो बड़ों की इज्जत है वो बड़ों की इज्जत बड़ों के साथ कायम रहे, छोटों के साथ जो शफ़क़त है वो बड़े छोटों के साथ में शफ़क़त का काम करें और किसी को भी ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाए। अपने भाई को भाई समझा जाए, अपने साथी को साथी समझा जाए और हमेशा एक दूसरा साथी एक दूसरे की पूरे हिंदुस्तान लेवल पर मदद करे और जिस भाई की जो भी सहूलत के साथ मदद हो सके वो जाने से फ़ोन के माध्यम से या जिससे सहूलत हो सके उससे उसको शौक को करे। और इंशाल्लाह हम ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये देना चाहते हैं कि हमारे हम इस भाईचारे को इतना वसी कर देंगे कि इंशाल्लाह जितने भी लोग ये शौक करेंगे, जो हमारे नबी ने इस शौक को आगे बढ़ाया, हम उसी तरीके को इंशाल्लाह इसमें कायम रखते हुए हम किसी के साथ भी धोखा बेईमानी या फरेब से इंशाल्लाह हम सब परहेज करेंगे। मेरी बस यही बात है और मैं यहाँ आने वाले सभी हजरात का तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।